केदारनाथ हाईवे बारिश के कारण बांसवाड़ा में बंद हो गया है। आपको बता दें ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही केदारनाथ धाम जा रहे यात्री कई घंटों से जाम में फंसे हैं। हाईवे के दोनों तरफ आने जाने वाले यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं। लगातार पत्थर गिरने के कारण हाईवे को रोकने का काम किया गया और खोलने का काम अब फिलहाल शुरू अभी तक नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से भारी मलबा गिरता हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए पत्थरों के साथ ये भारी मलबा है जो कि गिरता हुआ दिखाई दिया और इसके बाद अभी दिक्कत आ रही है रास्ते को खोलने में, कोई हादसा ना हो जाए इसलिए यात्रा फिलहाल अभी बाधित है। हाईवे पर पत्थरों की बारिश आप देखिए, तो अचानक से ये मलबा आने की वजह से हाईवे अभी स्टक हो गया है, रुका हुआ है और अभी रास्तों को खोला भी नहीं जा रहा क्योंकि लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से रास्ते खोलने में भी अभी दिक्कत है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग के कर्णसिली और अखोली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, रास्ते टूट गए हैं और कई घरों में दरारें भी पड़ गई हैं। ऊपर से यहां पर आए मलबे के चलते कई खेतों में भारी कटान भी हुआ है, कई जगह पर पुल ध्वस्त हो गए हैं और गौशालाएं ढहने से कई मवेशी मलबे में दब गए हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल फटने से कितना यहां पर नुकसान हुआ है। गुरुवार रात को बादल फटने से कर्णसिली गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भी बह गया है। खबर टिहरी की, टिहरी के चंबा में एक मकान का हिस्सा गिरने के बाद लोग डरे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने बिल्डिंग में किराए के दुकानों को खाली कराया। दरअसल ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। चंबा शहर के बीचों बीच एक सुरंग निर्माणाधीन हुई है और वहीं पर खुदाई की वजह से सुरंग के ऊपर बसे घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। ये दरारें पिछली जनवरी से पड़नी शुरू हो गई थी। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर मकान में रहने वाले मकान मालिकों को मकान उनका खाली कराया। मकान मालिक किराए पर रहने लगे लेकिन इसी मकान के ऊपरी हिस्से में कुछ दुकानें हैं। गुरुवार रात को अचानक से मकान के एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया। जनवरी में हमारे मकान में दरार आ गए थे, जनवरी में उनको प्रशासन तो आ ही रहे, डीएम साहब आ रहे हैं, साहब के बता चुके हैं पर यह कि मतलब कि आने सभी कुछ नहीं हो रहा, हमारे बच्चे भी सब बेरोजगार हैं, इसीलिए हमारा घर का वो चलता था रोजी रोटी और वो भी आज मतलब वो भी खत्म हो गई, आगे हम क्या करेंगे। लोगों के घरों में दरारें हैं, इस लाइन में पूरी है, कई लोगों के किसी में कम है किसी में ज़्यादा है और दूसरे साइड भी जो उत्तरकाशी रोड पर जो टनल है उधर भी कई घरों से दरारें आ रही है और पहले से है, इसके भी पहले से रिपोर्टिंग हो चुकी है और उसमें से जो गैस एजेंसी के आसपास है दो तीन मकान है वो उसमें अधिग्रहण भी कर चुके हैं, तो जितना भी पूरे दरारें आ रही है पूरा सर्वे करके इसका पूरे बीआरओ को भेज दिया जाएगा।